दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की खुशी में हम सब बहुत ही मस्त थे, और हकीकत यह है कि पूरा भारतवर्ष दिवाली और होली कल मना रहा था, मगर शायद परमात्मा को ज़्यादा खुशी मंजूर नहीं थी। और कल रात को जो सूचना मिली, झकझोर देने वाली दिल को, ऐसी खबर परम आदरणीय पूर्व विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी इस दुनिया में नहीं रही, दुनिया को अलविदा कहकर चली गई, जो कि एक अपूर्णीय क्षति है। सारा देश रो रहा है उनके याद में। ये एक बहुत बड़ी हमारी देश की अपूर्णीय क्षति है, जिसको हम कभी पूरा नहीं कर सकते। इस दुनिया से जाने से पहले परम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ट्वीट करके तकरीबन 7:23 की ये समय है, उस समय पे उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट किया कि परम आदरणीय मोदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दिन को देखने के लिए मैं तरसती थी, और वो दिन आज मैंने देख लिया, और ये खुशी शायद उनको भी रास नहीं आई, और इस दुनिया से अलविदा कहकर चली गई। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कर्मठ नेता, कर्मठ प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास वो उस स्वर्ग में जाकर के कुछ इस तरह की बातें कर रही होंगी। क्या कर रही होंगी मैं बता रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत बातें कवि ने लिखी है, सुनिएगा। अटल जी के पास सुषमा जी चली गई। सुषमा जी बोली अटल जी से, भैया मैं सुषमा, पहचाना, जिसको बेटी कहते थे आप। याद आया कि नहीं, जिसके भाषण पर आप गर्वित होते रहते थे, गर्व महसूस करते थे, वही, हाँ वही, जिसके संसद में मंत्री का सम्मान दिया, राजनीति के गुरुवर बनकर देश धर्म का ज्ञान दिया, हाँ भैया वही, वही जो हर दिन मिथक तोड़ती थी, हाँ हाँ भैया वही, जो स्वयं नाम के आगे शब्द स्वराज जोड़ती थी, हाँ हाँ बेटी याद आ गया, अटल जी कहते होंगे, हाँ हाँ बेटी याद आ गया, तू संसद की सुषमा थी, मैं अक्सर सोचा करता था तू बेटी थी या फिर माँ थी। ऐसा कहकर अटल बिहारी मुस्काए फिर घबराए, इतनी जल्दी भारत छोड़ो, ऐसा कहकर झल्लाए। सुषमा बोल उठी, भैया जो खबर आज सीने में थी, उसके बाद
नहीं अब कोई रुचि मेरी जीने में थी, रुचि मेरी जीने में थी। उसी खबर के इंतजार में आप तड़पते रहें सदा, कब ऐसा दिन आएगा बस यही सोचते रहे सदा। मुझे लगा मैं सबसे पहले खबर आपको दूं आकर, अपने अटल बिहारी दादा को खुशखबरी दूं जाकर। सुनो आज कश्मीर हिंद का पक्का अंग बन गया है, जिसके लिए आप जूझे, जिसके लिए आप जूझे वो सत्संग बन गया है, जिसके लिए मुखर्जी जी हंसकर बलिदान हो गए थे, धरती के उस स्वर्ग की खातिर जो कुर्बान हो गए थे। आज आपके दो बेटों ने वो कर्तव्य निभाया है, स्वप्न आपका था जिसको वो अस अमली जामा पहनाया है, इतना था उत्साह हृदय में जिसका झुकना मुश्किल था, बिना आपको बात बताए मेरा रुकना मुश्किल था, मेरा रुकना मुश्किल था। मुझको लगता है सुषमा जी फर्ज निभाने चली गई, मैं कहता हूँ मुझको लगता है सुषमा जी फर्ज निभाने चली गई, अपने गुरुवर को जल्दी खुशखबरी सुनाने चली गई। दोस्तों जैसे इस कविता को जिस भी कवि ने लिखा है मुझे संज्ञान नहीं है, पर मैं उनको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।